हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। दोस्तों, ये CRT TV का PCB है, ठीक है। और CRT TV का PCB का अंदर आप ये जो देख रहा है, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का तीनों टांग होता है, लेकिन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पोजीशन पर बहुत कुछ PCB के अंदर STR देखा जाता है, ठीक है। तो STR वो जो सेक्शन पावर सप्लाई होता है, वो पावर सप्लाई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स PCB का पावर सप्लाई का अंदर भी उस हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, STR का जो फुल फॉर्म होता है, इसको ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। STR अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग STR का फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर जो STR का जो फुल फॉर्म होता है, वो भी अलग होता है। तब स्क्रीन शॉट का ये जो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आपको जो देखाऊंगा, आपको जो बताऊंगा, STR का सब्स्टिट्यूट और जो इक्विवेलेंट होता है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट और इक्विवेलेंट क्या होता है, आपका पास सेम टू सेम नंबर STR नहीं है, तब आप पोजीशन पर कौन सा STR यूज कर सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए, फर्स्ट आपको सॉरी STR का बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं जो फर्स्ट STR नंबर देखाऊंगा, आप देखिए W6756, ठीक है। ये जो STR है, ये STR आपका पास सेम नंबर नहीं है, तब दूसरा अलग STR यूज कर सकते हो। तो कौन सा वो नंबर आपको दिखाता हूँ। आप W6753 STR यूज कर सकते हो, W6754 STR आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आप ये स्क्रीन कैप्चर करके रख सकते हो और नोट करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद आपको जो STR नंबर बताऊंगा, F66668, ये STR का जाएगा आप F6454 STR यूज कर सकते हो, F6453 आप STR यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसका बाद आपको जो STR नंबर बताऊंगा, W6556, ठीक है। ये पोजीशन पर आप W6553 STR यूज कर सकते हो, W6554 STR आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका बाद दोस्तों, आपको जो STR नंबर बताऊंगा, 5Q, ठीक है, 5Q1265, ठीक है, 1265RT, ठीक है। ये STR का जगह आप 5Q0765RT, ठीक है, ये STR आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसका बाद आप 3Q, ठीक है, CQ1265RT, ठीक है। ये पोजीशन पर आप CQ0765RT STR यूज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो 5Q, ठीक है, 0765, ये जो STR है, ये STR का पोजीशन पर मैं खुद प्रैक्टिकली देखा, CQ0765RT आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पावर सेक्शन का अंदर, कुछ कुछ पावर सेक्शन का अंदर उसका जो ड्राइंग थोड़ा अलग होता है, तो कभी कभी ये पोजीशन पर ऑल्टरनेटिव नेटिव यूज़ नहीं होगा, आपको सेम नंबर यूज़ करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
CQ0765 आरटी का जगह CQ0765, ठीक है। एक्चुअली मेनली ये CQ ये 5Q ये दोनों फर्क होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सेट पर ये लग जाता है और कुछ कुछ सेट पर ये मैचिंग नहीं होता है। मैं खुद प्रैक्टिकली करके देखा है, और दोस्तों ये जो सब कुछ आपको सब्स्टिट्यूट बताता हूँ मैं खुद प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके बाद और कुछ स्टेयर नंबर आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये बताने का पहले आपको जो बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये इतना कुछ मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो देखने का बाद, और ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और आप ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। दोस्तों और एक बात, बहुत दोस्त ने कमेंट किया है सर बांग्ला वीडियो बनाए बांग्ला वीडियो बनाए। तो बंधुरा আমি বাংলা একটা ইউটিউব চ্যানেল আলাদা বানিয়েছি, যারা বাংলা আমার ভিউয়ার্স, আপনারা যদি বাংলা ভিডিও দেখতে চান তাহলে ওই ভিডিও ওই চ্যানেলটার লিংক আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো আপনারা ওখান থেকে বাংলা চ্যানেলটি ভিজিট করবেন, এবং ওই চ্যানেলটা ভিজিট করে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ ওই চ্যানেলটির উপরে আমি ইউটিউব রিলেটেড ভিডিও বানিয়ে থাকি, ঠিক আছে। ইউটিউব রিলেটেড ভিডিও, ইউটিউব কীভাবে করবেন এবং ইউটিউব থেকে কীভাবে টাকা আর্ন করা যায়, সমস্ত কিছু ডিটেলস আমি ওই চ্যানেলের মধ্যে অনেক ভিডিও দিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে। অবশ্যই খুবই নতুন চ্যানেল, পুরোপুরি নতুন চ্যানেল, ঠিক আছে। আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করুন, ঠিক আছে। এবং যারা হিন্দিভাষী বাংলা বোঝেন আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কারণ কি বন্ধুরা এখন এক বছরের মধ্যে প্রায় 6 মাস লকডাউন চলে, তো লকডাউনে অনেক মানুষ বাড়িতে বসে থাকে এবং ইউটিউবের মাধ্যমে ইনকাম করা একটা সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে। তো যদি একটু পরিশ্রম করতে পারেন এবং কোনো একটি বিষয়ের উপর আপনার যদি নলেজ থাকে, তাহলে তার উপরে আপনি ভিডিও বানিয়ে ইউটিউব থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আর্ন করতে পারবেন এই লকডাউনের সময়ে। তো এবং এই সময়ে অনেকে মানুষ এখন ভিডিও দেখছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমি এই যে চ্যানেলটি বানিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি এই যে তরঙ্গ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলটি, অ্যাকচুয়ালি চ্যানেলটি টোটাল কীভাবে ইউটিউব চ্যানেল বানাতে হয়, কীভাবে চ্যানেলকে গ্রো করতে হয়, কীভাবে ভিডিও বানাতে হয়, অ্যাকচুয়ালি আমি ইউটিউব থেকেই সব কিছু শিখেছি। তো বন্ধুরা চলুন আমি নেক্সট এসটিআর সাবস্টিটিউট বলছি, ঠিক আছে। দোস্তো চলিয়ে উসকে বাদ আপকো যে এসটিআর নাম্বার বাতাঙ্গা, আপ দেখিয়ে জি, ঠিক হ্যায় জি 8656, ঠিক হ্যায়। ইয়ে যো এসটিআর হ্যায় ইয়ে পজিশন পর আপ জি 5653 এসটিআর ইউজ কর সকতে হো, ঠিক হ্যায়। তো চলিয়ে উসকে বাদ আপকো যো দেখাঙ্গা S6709, ঠিক হ্যায়। ইয়ে পজিশন পর আপ S6707 এসটিআর ইউজ কর সকতে হো। দোস্তো উসকে বাদ আপকো যো দেখাঙ্গা F, ঠিক হ্যায়, F 6656, ইয়ে এসটিআর পজিশন পর আপ F6654 এসটিআর ইউজ কর সকতে হো। দোস্তো এসটিআর বহুত কুছ নাম্বার কা পর হোতা হ্যায়, কুছ এসটিআর কা সাবস্টিটিউট আপকো ইস ভিডিও মে দেখাযা, ঠিক হ্যায় দোস্তো। আর দোস্তো আর কুছ সাবস্টিটিউট নাম্বার আপ জাননা চাহতে হো তো জরুর কমেন্ট কাট দিজিয়ে। আর দোস্তো ইয়ে ভিডিও কা ডেসক্রিপশন বক্স কা আন্দার মেয়ে জো চ্যানেল নিউ ইউটিউব বাংলা চ্যানেল লিঙ্ক মেয়ে দেখকে রাখা হ্যায়, আপ ও জরুর সাবস্ক্রাইব করকে মুঝেকে সাপোর্ট কিজিয়ে, ঠিক হ্যায়। আর আপ সব লোগোকে লিয়ে মেয়ে টেলিগ্রাম জো গ্রুপ বানায়া ও গ্রুপ পর আকে আপকা আপনা প্রবলেম ডিসকাস কর সকতে হো। থ্যাংক ইউ দোস্তো এই ভিডিও পুরা দেখনে কে লিয়ে।